बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो कुछ ही समय बाद आप अपने बिजनेस से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय पर ई कॉमर्स बिजनेस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और जितने भी लोग हैं वो 5 साल के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस करके अमीर बन चुके हैं। इंडिया में देखा जाए तो फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन की ग्रोथ को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि इन कंपनियों के फाउंडर ने 5 साल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस ऑफलाइन में चल रहा है उस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट $33 अरब का बताया गया है। 2016-17 के मुकाबले ये 19% बड़ा है। 2018 में एक अनुमान लगाया गया था कि ई कॉमर्स बिजनेस $33 अरब का हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल रिपोर्ट को देखा गया तो $38 अरब ये पहुंच गया। 2022 की रिपोर्ट आने वाली है जिसमें ये बिजनेस हद से ज्यादा ग्रो हुआ है, तो इस समय बहुत ही अच्छी संभावना है कि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं और काफी अच्छा आप बिजनेस कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आता कि मेरा बिजनेस जो चल रहा है या मैं नए तरीके से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। अब काफी टाइम से मैं भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे को भी इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखोगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपको बिजनेस का मॉडल सेलेक्ट करना होगा कि आप अगर अपने बिजनेस को या अपने नए बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस में तब्दील करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस का मॉडल क्या रहेगा। आप सोच रहे होंगे ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है। पहली चीज होती है कि आप किसी मार्केट प्लेस पर उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जैसे आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, मीशो, ग्लो रोड, शॉप 101, स्नैपडील, ऐसे किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहती हो। दूसरा, आप चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम खुद की अपनी वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पर हम प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाएं। तीसरी चीज, आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम खुद की एक मल्टी वेंडर वेबसाइट बनवाएं जिसमें क्या करें हम अपने प्रोडक्ट तो सेलिंग के लिए लगाएं लेकिन दूसरे लोगों को भी ऑफर करें कि आइए हमारी वेबसाइट पर आप अपने प्रोडक्ट भी सेल करिए। ऐसा ही स्टार्टिंग में अमेजोन ने किया था। अमेजोन ने जो वेबसाइट लॉन्च की थी amazon.com, उस पर सबसे पहले उन्होंने अपनी बुक्स सेल करने का बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद दूसरे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को ऑफर किया कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए और अपने प्रोडक्ट सेल करिए। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं, सिंगल वेंडर वेबसाइट बना के सेल करना चाहते हैं या मल्टी वेंडर वेबसाइट बना के आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो मान के चलो आप क्या चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरी मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताता हूं। तो आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है उसे आप मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं, जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal, Myntra, Meesho, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास GST होना चाहिए, आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये बेसिक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जिस मार्केट प्लेस पर आप सेल करना चाहते हैं, जैसे आपको मीशो पर सेल करना है तो मीशो पर आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्लिपकार्ट पर सेल करना है तो फ्लिपकार्ट पर आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अमेजोन पे आप सेल करना चाहते हो तो अमेजोन पर आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जहां जहां आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उन सभी जगह पर आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप सेलर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। आप उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपने सेलर पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। सेलर पैनल में आप मीशो के में लॉगिन कर सकते हैं अगर मीशो पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो फ्लिपकार्ट पे किया है तो फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल में लॉगिन कर सकते हैं और अमेजोन पे किया है तो अमेजोन पर। तो जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस मार्केट प्लेस पर आपने सेलर रजिस्ट्रेशन किया है वहां पर आपका सेलर अकाउंट बन जाता है और उस सेलर अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। अब सेलर अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हैं तो दिखाया जाता है कि आपने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, कितने आपको ऑर्डर आए हैं, कितना पेमेंट पेंडिंग है, कितने रिटर्न आ रहे हैं, यानी कि पूरी जानकारी आपके बिजनेस की उसमें दिखाई जाती है। अब जैसे ही आप सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको सेलर आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं जिससे आप लॉगिन करते हो, तो आपका दूसरा काम होता है कि अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना।
करना। तो लिस्टिंग में क्या होता है, आपके पास आपके प्रोडक्ट की फोटोशूट होती है, नहीं है तो फोटोशूट करवानी होती है और उन प्रोडक्ट को आपको सेलर पैनल से अपलोड करना होता है। तो जैसे ही आप लिस्टिंग करते हो आपको प्रोडक्ट के फोटो डालनी होती है, रेट डालनी होती है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है और प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल वो लोग मांगते हैं वो डिटेल आपको डालनी होती है। प्रोडक्ट की डिटेल डालने के बाद आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली पब्लिक हो जाती है जिस प्लेटफॉर्म पर आप लिस्टिंग करती हो। तो जैसे ही वो लिस्टिंग आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केट प्लेस पर दिखना शुरू हो जाते हैं, उनकी वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग की तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, आपने मीशो पे की तो मीशो पे लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे लोगों को प्रोडक्ट दिखना शुरू होंगे तो उन्हें वो खरीदने हैं तो वो उस मार्केट प्लेस से ऑर्डर लगाएंगे। जैसे ही ऑर्डर लगेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, आपको सेलर पैनल में लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और उसके बाद आपको वहां से ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। वहां पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एक आता है ऑर्डर कैंसिल का, तो आप कैंसिल कर भी सकते हैं अगर आपके पास वो माल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो, और आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास माल है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, वो आपको डाउनलोड करना होता है और प्रिंट निकालना होता है। शिपिंग इनवॉइस में आपकी डिटेल होती है, आपके कस्टमर की डिटेल होती है, कहां से ऑर्डर लगाया गया है, किस कंपनी के थ्रू जाएगा, वो सभी डिटेल होती है। तो आप जैसे ही शिपिंग इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालोगे उसके बाद आपको माल पैक करना है, पैक करने के बाद शिपिंग इनवॉइस ऊपर चिपका देना है जिससे डिलीवरी बॉय आए तो वो देख सके कि ये मेरे को पार्सल ले जाना है और उसके बाद कौन सा एड्रेस पर भेजना है तो वो एड्रेस भी लिखा होता है वो भी दिखे। तो शिपिंग इनवॉइस को ऊपर चिपका देना है, चिपका के आपको अपने घर पे या अपनी दुकान गोदाम जहां से आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे रख लेना है। रखने के बाद कुरियर वाला आपके घर पे आएगा या आपकी दुकान पे आएगा जहां का आपने पिकअप एड्रेस दिया है, वहां से माल को उठा ले जाएगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। माल कस्टमर को पहुंचने के बाद कंपनी 14 दिन बाद, 8 दिन बाद, हर कंपनी का एक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड बाद कंपनी आपको पेमेंट कर देगी अपने कमीशन काटने के बाद। तो ये होता है कि किसी भी मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने का सिस्टम। तो आप फ्लिपकार्ट पर इसी तरह से सेल कर सकते हैं, मीशो पे इसी तरीके से सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे इसी तरीके से सेल कर सकते हैं, ये सभी का सिस्टम ऐसा ही होता है। बाकी की आप पूरी डिटेल में जानकारी के लिए उनके नियम और कायदे को पढ़ सकते हैं और अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दूसरा होता है कि सिंगल वेंडर वेबसाइट बनाना। आप क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुद ही अपने प्रोडक्ट बेचूंगा और मैं ही उनको लिस्ट करूंगा, मेरी खुद की वेबसाइट होगी और मेरे ही थ्रू जितना भी होगा वो सेल मेरे थ्रू ही निकलेगी। तो उसके लिए आपको अपनी एक वेबसाइट बनवानी होगी और ई कॉमर्स वेबसाइट या तो आप खुद बना सकते हैं यूट्यूब पर देख के या किसी भी डेवलपर से कॉन्टैक्ट करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा सकती है। वेबसाइट बनने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा और आपकी वेबसाइट को आपको अच्छे से रैंक करना होगा। वेबसाइट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको सिस्टम समझा देता हूं, बिजनेस मॉडल समझा देता हूं। वेबसाइट बन गई, वेबसाइट पे आपको सेम लिस्टिंग करनी होगी, प्रोडक्ट डालने होंगे और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर आएंगे तो आपको वो ऑर्डर रिसीव करने हैं और उनको शिप कराना है कस्टमर तक। तो इस तरीके से आप खुद की वेबसाइट के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि आप अगर मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मल्टी वेंडर वेबसाइट के लिए आपको किसी बड़े डेवलपर से कॉन्टैक्ट करना होगा, उसको बोलना होगा कि देखो हम अपने प्रोडक्ट तो सेल करेंगे लेकिन दूसरे लोगों को भी हम ऑफर देंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील मीशो की तरह कि अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हो तो कर लीजिए, हम 10% पर सेल पर कमीशन लेंगे। तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं मल्टी वेंडर और उस पर दूसरे लोगों को भी ऑफर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर आइए और अपने प्रोडक्ट सेल करिए। तो ये तीन तरीके से बिजनेस किया जाता है जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है। इसमें आपका बिजनेस B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर, और एक होता है B2B, यानी कि आप बल्क में प्रोडक्ट देना चाहते हैं, अपने बिजनेस का कोई माल दूसरे बिजनेस करने के लिए देना चाहते हैं तो वो होता है B2B, यानी कि बल्क में आप डील कर रहे हो। B2C होता है कि बिजनेस टू कस्टमर, आप अपने किसी ग्राहक के लिए माल देना चाहते हैं, सिंगल पीस में देना चाहते हैं, वो होता है B2C। तो आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आप B2B में डील करना चाहते हैं या B2C में डील करना चाहती हैं। अब आपने इसमें से कोई भी चीज डिसाइड कर ली, आप मार्केट प्लेस पर सेल करना चाह रही हो, सिंगल वेंडर वेबसाइट बनाना चाहते हो या मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये इनमें से कोई भी एक भी आपने डिसाइड किया तो दूसरा आपका स्टेप होता है, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होगी। अब भाई ब्रांडिंग का क्या मतलब है,
जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा फ्लिपकार्ट है एक ब्रांड है, मिंत्रा एक ब्रांड है, अमेजोन एक ब्रांड है, मीशो एक ब्रांड है, तो आप उनके नाम से पहचान जाते हो कि देखो फ्लिपकार्ट है तो ये सामान यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, मिंत्रा है तो ये सामान फैशन के सामान आसानी से मिल जाएंगे, नायका है तो उस पर आपको ये टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको एक नाम डिसाइड करना होगा कि हम अगर अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो हमें क्या नाम रखना है अपने बिजनेस का। उस नाम को आपको अपना ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपने नाम डिसाइड कर लिया, अब उस नाम का आपको डोमेन नेम भी लेना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट उसी नाम से बनानी होगी, लोगो भी उसी नाम से बनवाना पड़ेगा, बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर होगा उसमें भी लोगो लगा होगा, सोशल मीडिया हैंडल होंगे जैसे इंस्टाग्राम है वहां पे भी उसी नाम से आपका सोशल मीडिया पे जितनी भी जगह फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सभी जगह आपका वही नाम शो होगा, आपका यूट्यूब चैनल भी होगा उसी नाम से, इंस्टाग्राम पेज भी होगा, फेसबुक पेज भी होगा, व्हाट्सएप पे भी वही नाम चलेगा, यानी कि हर जगह आपका वही नाम रिपीट होगा, वही नाम दिखाया जाएगा। तो ऐसे करके होती है ब्रांडिंग, तो हर जगह वही नाम चले, तो आपको एक यूनिक नाम डिसाइड करना होगा। तीसरा काम है कि आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। अब आप लोग इसमें अलग अलग कंडीशन आती हैं, जैसे आप किसी मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं जैसे मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, तो आपको दो तीन चीजों की जरूरत होगी। पहला आपको जरूरत होगी जीएसटी नंबर की, दूसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए अगर आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अगर आप लोग खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस की जरूरत होगी। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको बनवाना होगा और उसके बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद की वेबसाइट बना के सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी जीएसटी चाहिए, शिपिंग कंपनी के साथ भी आपको टाई अप करना होगा। लेकिन उसी जगह आप मल्टी वेंडर वेबसाइट चाहती हैं जैसे जिसमें दूसरे लोग सेल कर सकें, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह दूसरे लोगों को ऑफर करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आइए और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। उसके लिए आपको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, पैन कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए। इसके बाद आपको कंपनी रजिस्टर करानी होगी, एम्प्लॉई इंश्योरेंस के लिए आपको अप्लाई करना होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, यानी कि काफी सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद आप अपनी मल्टी वेंडर वेबसाइट को भी लॉन्च कर सकती हैं। आपको करेंट बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ये बात आप हमेशा याद रखिए। आप चाहे ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप खुद की वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं, चाहे आप मल्टी वेंडर वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं, आपको बैंक अकाउंट करेंट वाला खोलना ही खोलना पड़ेगा। बात करें कि वेबसाइट बनाने की, तो वेबसाइट बनाना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे शॉपिफाई है, बुकॉमर्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्डप्रेस है, ऐसी वेबसाइट है जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। पेमेंट गेटवे की जरूरत कब पड़ती है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो तो पेमेंट गेटवे की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद की वेबसाइट बना के सेल करना चाह रहे हो, चाहे सिंगल वेंडर वेबसाइट हो चाहे मल्टी वेंडर वेबसाइट हो, तो आपको पेमेंट गेटवे लगाना होगा। जिससे क्या होगा, पेमेंट गेटवे एक मीडिएटर कंपनी है जो आपके कस्टमर से पेमेंट लेती है और उसके बाद उस पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और इसको लगाने के पीछे का एक उद्देश्य ये है कि जैसे आपका तो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट है, लेकिन आपको कस्टमर से क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेना है, डेबिट कार्ड से भी लेना है, गूगल पे, फोन पे, अलग अलग ऑप्शन से लेना है। तो ये जो पेमेंट गेटवे कंपनियां होती हैं वो कस्टमर को सुविधा देती हैं कि आप 200 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, 250 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको इनको लेना ही पड़ता है। तो आप इनको लोगे तो ये आपकी साइड से पेमेंट कलेक्ट करती हैं, तो ये 250 तरह के पेमेंट ऑप्शन कस्टमर के सामने रखती हैं और उस तरीके से जिस तरीके से कस्टमर पेमेंट देना चाहे उस तरीके से ये पेमेंट लेती हैं, उसके बाद हमें पेमेंट देती हैं अपना कुछ कमीशन काटने के बाद। तो आपको पेमेंट गेटवे की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक की। जैसे आप अगर खुद की वेबसाइट बना के आप काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, तो उनकी तो खुद की कुरियर कंपनी होती है, वो आपके घर से माल उठा ले जाती है। लेकिन आप खुद की वेबसाइट बना के एक सेल करना चाह रहे हो तो वेबसाइट पर आपके ऑर्डर आएंगे तो माल भी आपको ही भेजना पड़ेगा, तो आपको लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ टाई अप करना होगा। बहुत सारी मीडिएटर कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ डायरेक्ट आप टाई अप कर सकते हैं, जैसे डेलीवेरी है, इसके अलावा ई-कॉम है, ई-कार्ट है, एक्सप्रेस वेस है, इन कंपनियों के साथ टाई अप कर सकते हैं। ये आपके घर से माल उठा के ले जाएंगे और आपके कस्टमर तक माल पहुंचा भी देंगे। ये सीओडी और प्रीपेड दोनों में काम करते हैं।
अब भाई बात आती है कि जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में ही आपका पेमेंट गेटवे कनेक्ट होता है, शिपिंग कंपनी का भी कनेक्ट होता है। तो जैसे ही वेबसाइट पर कोई व्यक्ति आता है, आपने प्रोडक्ट डाल के रखे हैं, प्रोडक्ट देखता है, ऑर्डर लगाता है, तो पेमेंट गेटवे ओपन होता है, तो वो पेमेंट कर देता है। तुरंत कुरियर कंपनी के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप भी अपने ही वेबसाइट से शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड कर लेते हो, माल को पैक कर देते हो। तो मैन्युअली आपको ये चीजें नहीं करनी होती, ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जो आपको वेबसाइट बना के देगा ये सभी सेटअप वो खुद करके देगा, या आप खुद भी कर सकते हैं। आप वीडियो देख के यूट्यूब पर खुद की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, शिपिंग कंपनी का टाई अप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आया, आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑर्डर आ गया, ये कंपनी आपके कुरियर को लेके जाएगी, आपके पार्सल को लेके जाएगी। तो बस आपको पैक करके रखना है, वो अपने आप माल को लेके चले जाया करेंगे। अब भाई यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि जैसे हम वेबसाइट बना के अगर अपना काम करते हैं तो कैसे ट्रैफिक आएगा, वेबसाइट पर कैसे लोग आएंगे, क्योंकि नई वेबसाइट है तो ज्यादा लोग जानते नहीं। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने की क्या टेक्निक हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कराना होगा, यानी कि आपकी वेबसाइट सर्च में आए। सर्च में आने का मतलब क्या है, जैसे आपकी वेबसाइट पर सूज डले, आप सूज का काम कर रहे हो, जूते डाल रहे हो, या आप टी शर्ट का काम कर रहे हो, आप जिसका भी काम कर रहे हो, जिस टाइप की भी आपकी वेबसाइट है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति गूगल में जाए और उसी प्रोडक्ट को सर्च करे तो गूगल में आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। उसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं हूं, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और मैं जूते सेल कर रहा हूं। अब कोई व्यक्ति गूगल में सर्च करता है स्पोर्ट शूज, तो मेरी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट जब दिखेगी तभी तो वो खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके ऐसा करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल में सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उसको दिखे, और वेबसाइट दिखेगी तो सेल होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट करते हो तो उसमें आपको अच्छे कीवर्ड्स सर्च करने होंगे, अच्छे कीवर्ड्स डालने होंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड डालने हैं, जैसे मैं स्पोर्ट शूज डाल रहा हूं तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो उसमें बार बार स्पोर्ट शूज, स्नीकर, शूज, ट्रेंडिंग शूज, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को डालते समय अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद क्या होगा, उन कीवर्ड को जो मैंने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको कोई गूगल में सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट के ज्यादा चांस रहेंगे कि उनके सामने खुल के आए, क्योंकि वो कीवर्ड जो सर्च किए जा रहे हैं गूगल में, वही कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में डले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे कि मेरी वेबसाइट उनके सामने शो हो। तो आपको अच्छे कीवर्ड्स सर्च करने होंगे और उन कीवर्ड्स को यूज करना होगा अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, अपने प्रोडक्ट में। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने होंगे, क्योंकि नई वेबसाइट है, कस्टमर लाने हैं, तो आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगह विज्ञापन चलाने होंगे और वहां से आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे फेस्टिवल सीजन चले तो तुरंत विज्ञापन लगा दो कि हमारी वेबसाइट पर इतने परसेंट ऑफ चल रही है, ये सेल चल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। उसके बाद एड चलाओगे, एड कैंपेन रन करोगे तो लोग देखेंगे, देखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे तो आपको ऑर्डर आएंगे, जिन्हें आप प्रोसेस करके काफी अच्छा पैसा कमाओगे। उसके बाद आपको रीटारगेटिंग करनी होगी। रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति आया, उसने अपना एड्रेस वगैरह सारी डिटेल डाल दी और ऑर्डर लगा दिया, उसको माल आपने भेज भी दिया, अब आपको यहाँ पे भूलना नहीं है उस व्यक्ति को, बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से और बार बार मेल करके उसको नोटिफिकेशन देनी है कि हमारे यहाँ सेल चल रही है, जल्दी से आइए, वेबसाइट को विजिट करिए, ऐसे नए नए ऑफर देने हैं और कस्टमर को रीटारगेट करना है, वापस बुलाना है अपने पास, जिससे वो दोबारा से हमारी वेबसाइट के माध्यम से खरीदारी करे। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपको जरूर करानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर लाना पड़ेगा जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑटोमेटिकली जाके बताए। जैसे आपको पता होगा जब जियो इंडिया में लॉन्च हुई थी तो फ्री इंटरनेट की सुविधा उसने दी थी, जिसमें क्या हुआ कि जियो ने एक रुपया भी विज्ञापन में खर्च नहीं किया था उस समय लोगों ने ही एक दूसरे को बता बता के जियो का इतना धमाल कर दिया था कि जियो के अलावा लोगों ने दूसरी सिमें यूज करना तक बंद कर दी थी। तो आपको माउथ पब्लिसिटी करानी होगी, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में चर्चाएं करें घर पर बैठ के, और वो जब माउथ पब्लिसिटी आगे बढ़ती जाएगी तो आपके एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली विदाउट इन्वेस्टमेंट होना हो जाएंगे और आपको अच्छे से
अच्छे अच्छे कस्टमर मिलेंगे, अच्छे खासे ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या तो नई प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, आप ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट में ऑफलाइन में डील कर रहे हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी चीज को लेके आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।